अगर आपने अभी तक अपने डीमैट अकाउंट में नॉमिनी ऐड नहीं किया है तो 31 मार्च 2023 के बाद एक्सचेंज की तरफ से आपका डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाएगा। सेबी ने एक सर्कुलर के द्वारा ये बताया है कि सभी डीमैट अकाउंट होल्डर को, चाहे आपका नया अकाउंट है या पुराना अकाउंट है, सभी को उसमें नॉमिनी ऐड करना अनिवार्य है। अगर आप दिए गए समय तक नॉमिनी ऐड नहीं करेंगे तो एक्सचेंज की तरफ से आपके डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको काइट ऐप के द्वारा जरोधा में नॉमिनी ऐड करके दिखाने वाला हूं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। काइट ऐप को ओपन करेंगे। ऐप ओपन करने पर आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। आपको नीचे प्रोफाइल के आइकन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपकी अकाउंट सेटिंग ओपन हो जाएगी। अब आपको प्रोफाइल ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपकी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको मैनेज अकाउंट का ऑप्शन नजर आएगा, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप जरोधा कंसोल पेज पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर आपको एक ब्लू कलर का बॉक्स मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ नॉमिनीज पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर नॉमिनीज का सेक्शन ओपन हो चुका है। अगर आपने इसमें पहले से कोई नॉमिनी ऐड कर रखा होगा तो वो यहाँ पर शो हो जाएगा। अगर आप पहली बार नॉमिनी ऐड कर रहे हो तो यहाँ ऐड नॉमिनी पर क्लिक करना है। अब आप जिस भी व्यक्ति को नॉमिनी बनाना चाहते हैं, यहाँ उसकी पूरी डिटेल एंटर करेंगे। सबसे पहले यहाँ नॉमिनी का फर्स्ट नेम डालेंगे, इसके बाद यहाँ लास्ट नेम डालेंगे, यहाँ नॉमिनी की एक ईमेल आईडी डालेंगे, यहाँ उसका मोबाइल नंबर डालेंगे, यहाँ नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, यहाँ जो फॉर्मेट दिया है इसी फॉर्मेट में डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। जैसे ही आप इसमें क्लिक करोगे तो कैलेंडर ओपन हो जाएगा। आप यहाँ क्लिक करके ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से मंथ चूज करेंगे और इसके बाद डेट चूज करेंगे। तो इस तरह से यहाँ डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। यहाँ नॉमिनी का पूरा एड्रेस डालेंगे। इसके बाद यहाँ पिन कोड डालेंगे। पिन कोड डालते ही नीचे सिटी, स्टेट और कंट्री का नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ से रिलेशन सेलेक्ट करेंगे, आपका नॉमिनी के साथ क्या रिश्ता है। अगर आप हस्बैंड या वाइफ को नॉमिनी ऐड कर रहे हो तो आपको स्पाउस सेलेक्ट करना है, या आप जिसे भी नॉमिनी ऐड कर रहे हैं उसके साथ आपका जो रिलेशन है उसे आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ परसेंटेज ऑफ शेयर डालेंगे। आप अपने शेयर्स का 100% में से कितना परसेंटेज अपने नॉमिनी को देना चाहते हो उसका परसेंटेज यहाँ डालेंगे। जैसे कि अगर आप एक ही व्यक्ति को नॉमिनी बना रहे हैं तो यहाँ पूरा 100% डालेंगे। अगर आप दो व्यक्ति को नॉमिनी बना रहे हैं तो 100% को उनके बीच में डिवाइड करना है, यानी कि आपको 100% में से ही नॉमिनी बनाना है। जैसे कि या तो आप दोनों को 50-50% के लिए नॉमिनी बना सकते हैं, या एक व्यक्ति को 60% और दूसरे को 40% के लिए नॉमिनी बना सकते हैं, या एक को 70% और दूसरे को 30% के लिए नॉमिनी बना सकते हैं। कहने का मतलब यही है कि 100% में से ही डिवाइड करना है। ये पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस व्यक्ति को कितने परसेंट के लिए नॉमिनी बनाना चाहते हैं। आप इसमें मैक्सिमम 3 व्यक्तियों को नॉमिनी बना सकते हैं। इसके बाद यहाँ नॉमिनी का एक आईडी प्रूफ अपलोड करना है। आप आईडी प्रूफ में या तो पैन कार्ड या पासपोर्ट या आधार या ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी कार्ड या बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। आप इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। आईडी प्रूफ या तो पीडीएफ या जेपीईजी या पीएनजी फाइल में एक्सेप्ट किया जाएगा जिसका साइज 5 MB से कम हो। आईडी प्रूफ में अपलोड की गई फाइल में यदि कोई पासवर्ड है तो उस पासवर्ड को यहाँ पर डाल देना है। अगर फाइल पर कोई पासवर्ड नहीं है तो इसे ऐसे ही छोड़ देना है। अगर आप ऐसे ही और नॉमिनी ऐड करना चाहते हो तो यहाँ ऐड अनदर नॉमिनी पर क्लिक करके यहाँ नॉमिनी की डिटेल डालकर ऐड कर सकते हो। फिलहाल मुझे एक ही नॉमिनी ऐड करना है। इसमें पहली बार नॉमिनी ऐड करने पर कोई चार्ज नहीं लगता है, लेकिन इसके बाद अगर आप नॉमिनी का मॉडिफिकेशन करोगे तो ₹25 प्लस GST चार्ज देना पड़ेगा। यहाँ एक इम्पोर्टेंट मैसेज दिया है, अगर आप इस डीमैट अकाउंट में एक साल तक
कोई एक्टिविटी नहीं करते हो तो इस केस में नॉमिनी को नोटिफाई कर दिया जाएगा। आप लर्न मोर पर क्लिक करके इन एक्टिविटी की पूरी इंफॉर्मेशन रीड कर सकते हो। इसके बाद आपको यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ टर्म्स एंड कंडीशन में दोनों बॉक्स में टिक करके प्रोसीड टू ई साइन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ साइन नाउ पर क्लिक करना है। इसके बाद आप NSDL के ई साइन पेज पर रीडायरेक्ट हो जाओगे। अब आपको अपना आधार ई साइन करना होगा। इस चेक बॉक्स में टिक करके यहाँ अपना आधार नंबर डालकर सेंड OTP पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक OTP कोड सेंड हो जाएगा। उस OTP कोड को यहाँ डालकर वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे। OTP वेरीफाई होते ही आपकी रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगी। आपके नॉमिनी ऐड करने की रिक्वेस्ट सबमिट हो चुकी है। आपको इस तरह का एक ईमेल आ जाएगा। 48 घंटे के अंदर नॉमिनी की रिक्वेस्ट अपडेट कर दी जाएगी। नॉमिनी अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है आप यहां क्लिक करके स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जरोधा में नॉमिनी ऐड